नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एटीजेड। जनपद शिवपुरी में चना खरीद केंद्र संचालकों व मध्य प्रदेश भंडारण व लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के अधिकारी मिलकर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला शिवपुरी के रायश्री पंचायत में बने शिवपुरी वेयर हाउस पर नजर आया, जिसमें पोहरी और बेराड क्षेत्र से 5 ट्रकों में भरकर घटिया चना लाया गया और भंडारण के अधिकारियों ने इस चने को अपने वेयर हाउस में उतरवा लिया। वहीं जब इस मामले पर जिला प्रबंधक मध्य प्रदेश भंडारण से बात की गई तो उनका कहना है कि अमानक चना नहीं लिया गया है और जो चने में कचरा है या कमजोर है तो सरकार के नियमानुसार किसानों से खरीदने का प्रावधान है। राजेश कुमार पाठक, जिला प्रबंधक मध्य प्रदेश भंडारण व लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन शिवपुरी, मीडिया सूत्रों का कहना है कि जिस चने को भंडारण करने लाया गया है वह व्यापारियों का खराब चना है और बैराड क्षेत्र के व्यापारियों और भंडारण के प्रबंधक ने सांठ गांठ करके इस घोटाले को अंजाम दिया है, जिसमें लाखों रुपए का खेल खेला गया है। समाचार टीजेट के लिए शिवपुरी से साबिर खान की रिपोर्ट। कुछ दिन दो दिन पूर्व चना आया था बेराड़ से, जिस जो अमानक स्तर का चना था, तो उसको यहाँ पर जो राशि दिया था उससे उस पर रखा गया है। तो क्यों ऐसा? देखिए, शासन का प्रावधान कायदा से नियम यही है, कोई भी माल हो रिजेक्ट अगर पानी से भींगा नहीं है, पानी से भींगा तो उसे वापस करने का ही नियम है। अगर माल में किसी प्रकार का अमानक है, मिट्टी कंकड़ पत्थर जो भी है, उस माल को यहाँ रखेंगे, समिति वाले को बुलाएंगे, अगर साफ करने किसके तो उसको साफ करेगा, उसे अपग्रेड बोलते हैं, अपग्रेड करेगा। यदि अपग्रेड के बाद जमा करने योग्य हो तो जमा किया जाएगा, बस उस स्कंध को क्षमता को वापस। नहीं, ऐसा माना जा रहा है कि जो वहाँ के जो व्यापारी हैं उन लोगों ने फर्जी रजिस्ट्रेशन लगा के ग्रामीणों के और ये माल पूरा अपना माल उन्होंने खपा दिया। कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत देखी जा रही है। इस संबंध में तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि खरीदी एजेंसी आपूर्ति निगम और GMCCB और DR साहब यही निर्णय दे सकते हैं। लेकिन आपके गोदाम में माल आपने रखवाया और वो अमानक स्तर का माल था, अमानक माल रखने का तो हमें अधिकार है ना, हम रखेंगे समिति प्रबंधक के नाम। सड़ा हुआ माल नहीं, सड़ा माल नहीं रखेंगे हम। जो माल अमानक से स्टैंडर्ड है, जैसे 0.75% मिट्टी हरा हुआ है, 0.75% का मतलब हुआ एक क्विंटल में करीब 700 ग्राम तक मिट्टी, अगर इससे ज़्यादा मिट्टी आती है तो उस माल को रखेंगे पहले और समिति, चूँकि किसानों से माल खरीदा है, अगर उस माल को हम वापस कर देंगे तो समिति वाला क्या करेगा? किसानों को तो वापस देगा नहीं, उसको खपाने की कोशिश करेगा। यहाँ रखेंगे तो यहाँ अपग्रेड करा कर फिर से जमा कराएंगे, जिससे किसानों को भुगतान हो जाएगा।